नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कवर्धा में झंडा विवाद को लेकर गर्मा गर्मी का दौर अभी भी जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रजगामार में इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और वन मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला जलाया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कवर्धा में मंत्री के इशारे पर प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया गया। वहीं असली आरोपी मजे कर रहे हैं। आज किस मुद्दे को लेकर पुतला दहन किया गया? अभी पिछले महीने 3 अक्टूबर को कवर्धा में कर्मा माता चौक में अपने हिंदू भाइयों के द्वारा वहां भगवा ध्वज लगाया गया, जहां वहां कवर्धा के मुस्लिम युवाओं द्वारा उस भगवा ध्वज को निकाल के फेंका गया, उसे कुचला गया और जलाने का भी प्रयास किया गया। तो अपने हिंदू भाइयों ने वहाँ बीच बचाव किए, तो वहाँ के जो विधायक और वहाँ के जो मुस्लिम लड़के हैं उन्होंने धारदार हथियारों से एवं डंडों से मारपीट की, और वहाँ का जो विधायक अभी जो छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री है मोहम्मद अकबर, उसने जो दोषियों हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहा है और जो निर्दोष है उनको सजा दिया है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये 9 नवंबर और 10 नवंबर ये दोनों दो दिवसीय मोहम्मद अकबर का पुतला दहन करने का ऐसा कार्यक्रम रखा गया था, जिस विषय में आज हमारे रजगांव प्रखंड में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कुंदूरा मंडल का अध्यक्ष लगा है। जैसा कि आप सभी को याद है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री की सरकार बनी, तब से छत्तीसगढ़ में तानाशाही और अपराध का गढ़ बन चुका है। और हाल ही में देखने को मिला कि जो कवर्धा में जिस तरह की विवादित स्थिति उत्पन्न हुई और अभी तक वह मामला शांत नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और युवा मोर्चा के द्वारा रजगा मार में मोहम्मद अकबर जी, जो वन मंत्री है छत्तीसगढ़ शासन में, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था और कार्यक्रम सफल रहा। पुतला सफलतापूर्वक जलाया गया और शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम निपटाया गया। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार सत्ता में आए हैं, तब से छत्तीसगढ़ की जनता आहत है और इस जो अभी जो विषय जो मुद्दा हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री का कोई भी बयान नहीं आया और एक पक्षीय कार्रवाई करने से ये जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि तुष्टिकरण की राजनीति बंद कर दीजिए, अन्यथा इसका हर्जाना आपको आने वाले 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। यही हिंदू समाज आपको इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगा। जय श्री राम। जय श्री राम।